किस्सा है पुराना, जब दबंग सिपाहियों का था जमाना। इंग्लैंड पर नेक दिल किंग रिचर्ड का राज था। जब विदेशी धरती पर लोकप्रिय किंग जंग लड़ रहे थे, तभी उनके दुष्ट लालची भाई प्रिंस जॉन ने राजगद्दी हथियार ली और मासूम जनता पर जबरदस्ती टैक्स लगाकर उन्हें भुखमरी तक पहुंचा दिया। उसके जालिम चमचे नॉटिंगम के शेरिफ ने लोगों पर अत्याचार किया। मुसीबत की मारे इंग्लैंड की प्रजा को चाहिए था एक मसीहा, एक हीरो, और वो हीरो था रॉबिन हुड। कहानी में आगे शेरिफ गरीब लोगों से टैक्स के नाम से धन चुराकर प्रिंस जॉन के पास जा रहा होता है, पर तभी रॉबिन हुड जेरी के साथ वहां आकर वो सारा धन उससे ले लेता है और गरीबों में बांट देता है। रॉबिन रहता डाकुओं की तरह, पर वो गरीबों का मसीहा था। उसके बाद हम प्रिंस जॉन के साथ प्रिंसेस मैरियन को देखते हैं। जॉन शेरिफ पर गुस्सा करता है क्योंकि उसे किंग बनने के लिए बहुत धन चाहिए होता है। शेरिफ जॉन से बताता है हमारे महल से ही कोई रॉबिन को सारी खुफिया जानकारी देता है और उसके साथ एक चूहा है जो उसकी मदद करता है। शेरिफ जेरी को पकड़ने के लिए टॉम को बुलाता है। जॉन को इस बात का डर होता है कहीं उसका बड़ा भाई किंग रिचर्ड महल वापस ना आ जाए, क्योंकि वो आ गया तो जॉन कभी किंग नहीं बन पाएगा। उसके बाद हम किंग रिचर्ड को देखते हैं जो जंग जीतकर महल वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है। इधर रॉबिन एक लेटर लिखता है और जेरी को वो लेटर प्रिंसेस मैरियन तक पहुंचाने को कहता है। जेरी वो लेटर लेकर नदी के रास्ते जाता है और बड़ी मुश्किलों से वो महल तक पहुंच जाता है, पर टॉम जेरी को महल की तरफ आते हुए देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। टॉम एंड जेरी के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। जेरी टॉम को हराकर मैरियन तक पहुंच जाता है और वो लेटर उसे देता है, जहां हमें पता चलता है प्रिंसेस मैरियन और रॉबिन हुड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैरियन ही महल की सारी खुफिया जानकारी रॉबिन तक पहुंचाती है। उसके बाद मैरियन अपना लकी लॉकेट रॉबिन के लिए जेरी को देती है। सीन चेंज होता है और हम जॉन के साथ शेरिफ को देखते हैं। शेरिफ रॉबिन को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। आर्चर टूर्नामेंट के विनर को खूब सारा पैसा, इंग्लैंड का बेस्ट आर्चर अवार्ड और साथ में प्रिंसेस मैरियन की किस। शेरिफ ये सारे पोस्टर हर जगह लगवाता है। जेरी की नजर पोस्टर पर जाती है और वो पोस्टर लेकर रॉबिन के पास आता है। रॉबिन उस पोस्टर को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे मैरियन से मिलने का मौका मिलेगा। वो उस टूर्नामेंट में जाने के लिए रेडी था। रॉबिन के साथ ही उसे मना करते हैं, कहीं उनकी कोई चाल ना हो हमें पकड़ने के लिए, पर रॉबिन उनकी बात नहीं मानता और भेष बदल कर टूर्नामेंट में पहुंच जाता है। रॉबिन अपने रिंग जेरी को देता है मैरियन तक पहुंचाने के लिए, जिससे मैरियन समझ सके वही रॉबिन है। जेरी रिंग लेकर मैरियन की तरफ बढ़ता है, पर टॉम उसे देख लेता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर जैसे तैसे जेरी वो रिंग मैरियन को दे देता है और मैरियन समझ जाती है वही रॉबिन है। इधर टूर्नामेंट का मुकाबला टक्कर का चल रहा होता है। राउंड के राउंड चल रहा होता है। लास्ट राउंड होता है। रॉबिन का निशाना जेरी की वजह से कहीं और लगने वाला होता है, पर जेरी ही उसे सही पॉइंट पर लाता है और रॉबिन जीत जाता है। रॉबिन खुशी से मैरियन की तरफ बढ़ता है, पर शेरिफ रॉबिन को पहचान लेता है। रॉबिन अपने साथियों के साथ भागने की कोशिश करता है, पर पकड़ा जाता है और सबको पिंजरे में बंद करके महल की तरफ जाने लगते हैं। जेरी रॉबिन को छुड़ाने के लिए कई बार कोशिश करता है, पर हर बार वो उस ताले को नहीं खोल पाता है और रॉबिन और उसके साथी महल तक पहुंच जाते हैं और उन्हें एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। इधर जेरी बहुत सैड होता है कि वो रॉबिन को बचा नहीं सका, पर वो डिसाइड करता है वो जरूर रॉबिन को बचाएगा और निकल पड़ता है महल की तरफ, पर टॉम की नजर जेरी पे ही थी। इधर रॉबिन सैड होता है और अपने साथियों से माफी मांगता है। मैरियन भी रॉबिन के लिए बहुत सैड होती है। तभी जेरी मैरियन के पास पहुंचता है। मैरियन रॉबिन के लिए एक लेटर लिखती है। तभी शेरिफ वहां आता है और टूर्नामेंट का विनर होने के नाते मैरियन से किस मांगता है। तभी उसकी नजर लेटर पर जाती है। वो उस लेटर को पढ़ता है और समझ जाता है मैरियन ही जासूस और गद्दार है और उसकी सजा मौत है। शेरिफ मैरियन को मौत की सजा से बचने के लिए एक ऑफर देता है कि वो उसे शादी कर ले, पर मैरियन मौत को चुनती है।
शेरिफ गुस्से में मैरियन को वही बंद करके जॉन के पास जाता है। टॉम भी जेरी को पकड़ लेता है और शेरिफ के पास आता है। तभी जॉन के जासूस वहां आकर बताते हैं किंग रिचर्ड कल सुबह महल तक पहुंच जाएंगे। जॉन ये सुनकर बहुत घबरा जाता है कि उसकी सारी दौलत, किंग बनने का सपना सब टूट जाएगा। तभी शेरिफ जॉन से कहता है क्यों ना हम किंग रिचर्ड को समुद्र के तट पर ही खत्म कर दें, पर उसकी एक शर्त है, रॉबिनहुड के साथ मैरियन को भी फांसी की सजा हो क्योंकि वो गद्दार है। जॉन उसकी बातों को मान लेता है। टॉम एंड जेरी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, पर टॉम उनकी पूरी बातें सुनकर जेरी को छोड़ देता है और उससे दोस्ती कर लेता है। जेरी अपने साथियों को सिग्नल देता है और वो महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर जॉन शेरिफ के साथ समुद्र के तट की तरफ बढ़ता है। मैरियन रॉबिन को बचाना चाहती थी, इसलिए वो उस रूम से निकलने के लिए बड़ी चलाकी से उन गार्ड को अच्छा मजा चखाती है और टॉम एंड जेरी भी रॉबिन तक पहुंच जाते हैं और सो रहे गार्ड के हाथों से चाबी लेकर रॉबिन को बाहर निकालते हैं। मैरियन भी रॉबिन तक पहुंच जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी रॉबिन का आदमी जॉन के रूम से कुछ पोस्टर लेके आता है, जिसे देखकर रॉबिन समझ जाता है कि जॉन किंग रिचर्ड को मारने वाला है। वो जल्दी से अपने साथियों के साथ समुद्र के तट तक पहुंचने की कोशिश करता है। इधर शेरिफ अपने सिपाहियों के साथ किंग को मारने के लिए तैयार था और वो जैसे ही किंग पर हमला करवाता है, तभी जेरी वहां आकर किंग को बचा लेता है और रॉबिन उन्हें उड़ाकर एक बोट तक ले जाता है। वो सारे सिपाही वहां आकर उन पर हमला करते हैं। रॉबिन और किंग जमकर लड़ते हैं। तभी गलती से वो दोनों रस्सियों से बंध जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर शेरिफ और जॉन उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तभी टॉम एंड जेरी वहां आकर उन्हें बचा लेते हैं। जेरी रॉबिन और किंग को रस्सियों से छुड़वाता है और सब मिलकर जॉन और शेरिफ को बंदी बना लेते हैं। महल पहुंचकर किंग रिचर्ड टॉम एंड जेरी को उनकी बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित करता है और मैरियन रॉबिन को एक प्यारा किस करती है और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।